आज के दिन सन 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बांग्ला उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। 1911 में कोलकाता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था। 1950 में दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित सितारे और बेहद लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत का जन्म हुआ था। 1958 में विल्सन जॉन्स अमेचियर बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन बने थे। 1962 में टेनिस खिलाड़ी ट्रेसी ऑस्टिन का जन्म हुआ था। 1981 में भारत के क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह का जन्म हुआ था। 1988 में दक्षिण लंदन में सुबह के व्यस्त समय में 3 रेलगाड़ियां आपस में टकरा जाने से 35 लोगों की मौत हो गई थी। 2009 में डेमोक्रेटिक नेता एनी पार्कर की जीत के साथ ही ह्यूस्टन उस समय का अमेरिका का सबसे बड़ा शहर बन गया था, जिसने एक समलैंगिक को अपना मेयर चुना था। 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसमें 195 देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने पर राजी हुए थे। इस समझौते ने क्योटो करार का स्थान लिया था। 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल लंबे कार्यकाल के बाद भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद पद से इस्तीफा दिया था। और इसी साल 2018 में शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून को मंजूरी दी थी। और आज ही के दिन सन 2019 में रूस के एकमात्र विमानवाहक पोत में आर्कटिक शिपयार्ड में मरम्मत के दौरान आग लगी थी।